Well, I'm very proud to be associated with a brand like Max. मेरी एसोसिएशन से पहले से मुझे ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पसंद है. अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने एक इंडिगो ब्लू ड्रेस पहनी है इनकी इंडिगो ब्लू कलेक्शन से. बहुत सारी कलेक्शंस हैं जैसे ट्रॉपिकल कनेक्शन कलेक्शन, इंडिगो ब्लू कलेक्शन. यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी. द फैब्रिक्स आर वेरी ब्रीदेबल. नॉर्मली जब हम समर्स की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये है कि द आउटफिट हैज़ टू बी वेरी कम्फर्टेबल. नॉर्मली जब बहुत कम्फर्टेबल आउटफिट होता है तो कहीं ना कहीं इंसान फैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, बट नॉट विथ मैक्स. अगर आप मैक्स आते हैं तो ना तो आपको कम्फर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही आपको फैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दे वेरी कम्फर्टेबल, वेरी ब्रीदेबल, वेरी फेमिनिन. बोहो ट्रेंड जो है उसे भी फॉलो किया हुआ है. एंड ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, जो कि कोई भी आम इंसान इसे अफोर्ड कर सकता है. समर में हमेशा समर में मैं बहुत ऑफ कोर्स कॉटन के आउटफिट्स, फ्लोई गाउन्स वो पहनना पसंद करती हूँ, जिससे आपकी स्किन भी टैन नहीं होती और ऑफ कोर्स फैशन को ध्यान में रखते हुए सारे आउटफिट्स मैं सेलेक्ट करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी फैशनेबल गर्ल. आई लव फैशन एंड ऑफ कोर्स जो भी लड़की इस वक्त मुझे देख रही है, शी कैन रिलेट टू मी. एवरी गर्ल लव्स फैशन. फैशन का मंत्र ये है दैट आपको वही कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी बॉडी टाइप को फ्लैटर करते हैं. नॉर्मली हम कुछ भी उठा के पहन लेते हैं जस्ट बिकॉज इट्स इन ट्रेंड, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो मेरी बॉडी को फ्लैटर करें, मुझे अच्छे लगे, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी वेरी कम्फर्टेबल. अदरवाइज़ आप पूरे दिन अनकम्फर्टेबल रहेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आपने यू नो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट पहना हुआ है. सो यस. सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा इन दिनों क्या कर रहे हैं आप इन दिनों. वेल, इन दिनों मैं टेलीविजन से तो मैंने अभी छोटा सा ब्रेक लिया है. मैं बहुत सारा मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है और अभी बहुत सारी मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ विद वेरी गुड डायरेक्टर्स. फिल्म्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ. क्या बताऊँ, मुझे क्या बताऊँ, बताइए. वेल, डेफिनेटली एक शो की बात चल रही है, बट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है, सो आई कांट रियली टॉक अबाउट इट. व्हाट डू यू से अबाउट टुडेज अपकमिंग शोज, बेसिकली माइथोलॉजिकल एज वेल एज इफ यू सी यू नो वाइल्ड एनिमल्स एंड एवरीथिंग कमिंग इन द शो लाइक अ नागिन. अगर नागिन की बात की जाए तो अगर If you rewind history and you see, I would just say that history repeats itself. पहले भी एक शो आया था नागिन, अरुणा ईरानी जी का. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट शो. उस ज़माने में भी दैट वॉज़ अ ह्यूज हिट. इट वॉज़ ऑन जी टी वी. काफ़ी बड़ा हिट था वो शो. और अगर हम पीछे जाएँ तो उसके पहले भी एक शो था नागिन, एंड ऑफकोर्स फिल्म्स थी, रीना रॉय जी की फिल्म थी नागिन, बहुत सारी फिल्म्स थी. तो मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, ऑडियंस को नागिन से बहुत फैसिनेशन है, बिकॉज हर फिल्म अगर आप देखें, इट हैज़ बीन अ हिट इन द पास्ट ऑल्सो. सो पीपल लव नागिन फॉर सम रीज़न, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. एंड जहाँ तक माइथो शोज़ की बात की जा रही है, माइथो शोज़ भी हमेशा से हिट रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट महाभारत हो या अब वाला. पीपल हैव ऑलवेज लव्ड वॉचिंग इट बिकॉज आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स अ कल्चर, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है. रियलिटी शो, आई डोंट रियली नो. अ शो लाइक एक्चुअली रियलिटी शोज़ आर गुड, क्योंकि उसमें जो ऑडियंस है उसको आपका जो रियल चेहरा है, आप कैसे हैं, वो पता चलता है. नॉर्मली क्या है, जब हम एक किरदार प्ले करते हैं टेलीविजन पे, सो पीपल नो यू एज दैट कैरेक्टर. अगर आप एक बार रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, देन पीपल नो यू एज वॉट यू आर. सो आई थिंक दे आर गुड. अभी तक तो नहीं, ऑफ कोर्स अगर कोई ऑफर आए आई वुड लव टू डू इट. अल्टीमेटली तो हर एक्टर फिल्म्स करना चाहता है. और आई वुड लव एक्शन. मुझे ऑफ कोर्स एक्शन बहुत पसंद है, बट समहाउ जो हीरोइंस हैं उनके लिए एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. बट आई वुड लव टू डू एक्शन. मैं बहुत ही ज़्यादा एक एथलेटिक पर्सन हूँ. रोज़ मैं 1.5 घंटा जिम करती हूँ, रनिंग करती हूँ, किक बॉक्सिंग भी करती हूँ. तो मुझे एक्शन बहुत पसंद है. ऑफकोर्स अगर कोई ऐसी फिल्म बने, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इन दिनों बायोपिक फिल्में काफ़ी बन रही है,
जी आपको कैसे लगा कि ये बायोपिक इसके बननी चाहिए, इसके मैं किरदार करूँ, सोचे आपका कुछ ख्वाब है आपका? बायोपिक दैट्स अ टफ क्वेश्चन, मैंने कभी इतना सोचा नहीं है, बट कांट रियली से, बट बायोपिक्स आर नाइस बिकॉज जो एक कहानी होती है वो ऑफ कोर्स किसी एक बहुत इंस्पिरेशनल व्यक्ति पे बेस्ड होती है एंड हमारी ऑडियंस को उससे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल जाती है. नॉर्मली फिल्म्स में हम सिर्फ ये दिखाते हैं, रोमांस हो गया या फिर ड्रामा हो गया, बट जो बायोपिक्स है इससे हम उस इंसान को क्लोजली जान पाते हैं, राइट? जैसे मैरी कॉम, नोबडी न्यू मच अबाउट हर लाइफ बिफोर द फिल्म रिलीज, बट ऑफकोर्स आफ्टर दैट लोगों को पता चलता है कि वो इंसान कितना महान था अपने फील्ड में, जो नॉर्मली आम लोगों को पता नहीं होता. आम लोगों को सिर्फ क्रिकेटर्स के बारे में पता होता है या फिल्म स्टार्स के बारे में पता होता है. सो आई थिंक मोर एंड मोर बायोपिक फिल्में बननी चाहिए. यह डिबेट हो रही है, ऑफकोर्स इट्स वेरी ट्रेजिक. मैंने जब सुना आई वॉज नम फॉर द फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. मैं विश्वास नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यंग लड़की थी वो, और इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, और ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था. एंड आई रियली प्रे फॉर हर फैमिली कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो अपने आप को समेट कर रख पाएँ, एंड आई प्रे फॉर अर सोल. उन्होंने प्रत्युषा की बात की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी यूथ को, सबको, कि नॉर्मली हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अगर किसी को फिजिकल इलनेस हो तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट आई थिंक अभी इट्स हाई टाइम कंसिडरिंग द स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस लेवल बॉम्बे में है, ऑफकोर्स सब जानते हैं कितना स्ट्रेस है, इसलिए हमको जो मेंटल इलनेसेस हैं जैसे डिप्रेशन हो गया या लोनलीनेस हो गया, इनको टैकल करने का हमें एक तरीका ढूंढना चाहिए. सो अगर आपको पता चले, अगर आपके फ्रेंड्स कोई आसपास दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं या फिर अलूफ रहते हैं, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए और मेन प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए, और ऑफकोर्स अपने तरीके से उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए. सिर्फ फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पार्टी करें, घूमें फिरें, मस्ती करें. अल्टीमेटली ट्रू फ्रेंडशिप यही है कि अगर आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा इंसान लगे जो दुखी लगे या अलग तरीके का बिहेवियर उसका लगे, तो प्लीज़ उसे हेल्प दीजिए. मेंटल इलनेस के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो आई थिंक और अवेयरनेस होनी चाहिए, और ऑफकोर्स इसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना जाना चाहिए. किसका फ़ायदा ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे, आई नो एवरी वन नोज अबाउट इट. मैं देख रही हूँ फेसबुक पर लोग उसके साथ फोटोज लगा रहे हैं, स्टेटस अपडेट्स कर रहे हैं कि ओ माई गॉड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा चीप हरकत है अगर आप इस तरीके से किसी की डेथ पर चैनलाइज कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ वेरी इनह्यूमन थिंग. सो या अगर उसके इतने बेस्ट फ्रेंड्स होते तो आई डोंट थिंक वो ऑफकोर्स अपनी जान लेती. सो या थैंक यू.